योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं। उन्होंने बीते दिन लखनऊ में सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। बृजेश पाठक ने योगी की पहले सरकार में डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा को रिप्लेस किया। इस बार योगी की सेना में कुल 52 सिपाही हैं, जिसमें 16 कैबिनेट, 14 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री हैं। बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना, मोहसिन रजा समेत पिछली सरकार के कुल 20 मंत्रियों को इस सरकार में जगह नहीं मिली है। वहीं योगी के इस नए कैबिनेट में 38 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। साथ ही 9 MLC भी मंत्री बनाए गए हैं, जबकि 5 नाम ऐसे हैं जो ना विधायक हैं ना ही MLC हैं। यानी इन्हें अगले 6 महीने में सदन पहुंचना होगा। वहीं अगर योगी सरकार के पिछले मंत्रिमंडल पर नजर डालें तो पहले शपथ ग्रहण में 46 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें 24 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार और 13 राज्य मंत्री थे। जिन 9 लोगों को MLC से मंत्री बनाया गया उन लोगों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, AK शर्मा, जितिन प्रसाद, आशीष पटेल, संजय निषाद, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मवीर प्रजापति, भूपेंद्र चौधरी, दिनेश प्रताप सिंह का नाम शामिल है। खास बात यह है कि इस बार केवल केशव प्रसाद मौर्य के हार के बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बाकी जिन भी चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है वो चुनाव में जीत दर्ज करके ही आए हैं। योगी के दूसरे मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा 18 OBC मंत्रियों को जगह मिली है। इसके अलावा 10 ठाकुर, 8 ब्राह्मण, 7 दलित, 3 जाट, 3 बनिया, 2 पंजाबी और 1 मुस्लिम चेहरा शामिल है। वहीं योगी कैबिनेट में जिन लोगों के नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो है केशव मौर्य, बृजेश पाठक, सुरेश कुमार खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, अरविंद कुमार शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, योगेंद्र उपाध्याय, संजय निषाद। जानकारों की माने तो शपथ से पहले ये विधायक सीएम आवास पहुंचे। योगी से मुलाकात के बाद ही सबने स्टेडियम पहुंचकर मंत्री पद की शपथ ली। वहीं आज पहले दिन ही योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की बैठक कर बड़ा ऐलान किया, जिसमें उन्होंने मुफ्त राशन योजना को अगले 3 महीने तक बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे राज्य के 15 करोड़ लोगों को लाभ होगा।